गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी स्टैंडर्ड 2 हिंदी चैप्टर नंबर हमारा है 4 अधिक बलवान, वो ये स्टोरी है वो हम आज पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी है वो हवा और सूरज की स्टोरी है। उसमें अधिक बलवान कौन, दोनों में एक स्पर्धा होती है। तो ये हम देखेंगे कि इन दोनों में कैसी स्पर्धा होती है। तो सबसे पहले हम स्टोरी को रीड करते हैं। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा और सूरज है दोनों झगड़ने लगे, बहस करने लगे। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। हवा ने क्या कहा सूरज से कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, बहुत बलवान, शक्तिशाली हूँ तुमसे ज्यादा। फिर सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। तो सूरज ने वापस क्या कहा हवा से कि नहीं, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। क्या हुआ कि दोनों बहस कर रहे थे, तो उतने में एक आदमी है वो सड़क पर जा रहा था, तो उसकी नजर, दोनों की नजर है वो आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हवा ने क्या कहा कि ऐसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी को, इस आदमी का कोट है वो उतरवा दे, वही ज्यादा बलवान है। तो हवा ने क्या कहा सूरज से कि हम बहस करने से कोई फायदा नहीं है। ये आदमी जो सड़क पे जा रहा है, उसका कोट अगर दोनों में से हम कोई उतरवा सकता है तो ही हम, हमें पता चलेगा कि अधिक बलवान कौन है। उसके बाद सूरज हवा की बात है वो मान गए। सूरज है, उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। तो सूरज ने हवा को कहा कि सबसे पहले तुम अपनी ताकत दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। क्या हुआ तो हवा, आदमी की टोपी उड़ गई। हवा तेज हवा चली, तो तेज हवा से जो आदमी सड़क पे चल रहा था उसकी टोपी है वो उड़ गई। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये जो आदमी है उसके सर से टोपी है वो कैसे उड़ जाती है हवा की तेज हवा चलने से। इसलिए पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। उसने, उसकी टोपी उड़ गई लेकिन उसका कोट है वो उतरा नहीं, क्योंकि उसने अपने दोनों हाथों से एकदम कस के पकड़ रखा था। उसके बाद हवा और जोर से चलने लगी। पहले तो धीरे धीरे चल रही थी, फिर और जोर से हवा चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। क्या हुआ, और जोर से हवा चली लेकिन आदमी है वो लास्ट में नीचे गिर गया, लेकिन उसका कोट है वो उतरा नहीं। उसका कोट तो उसके शरीर पर ही रह गया। अब हवा है वो थक गई थी, तो जोर जोर से हवा चल रही थी इसलिए हवा थक गई थी, उससे उस आदमी का कोट उतरा नहीं। सूरज ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने हवा से कहा कि अब तुम्हारी, मेरी बारी है, मेरी ताकत को देखो। सूरज ने क्या किया, सूरज तपने लगा, जोर से धूप बरसाने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए, आदमी ने अपने आप ही कोट के बटन खोल दिए क्योंकि उसको बहुत ही गर्मी लग रही थी। सूरज की गर्मी और बढ़ी और ताप बढ़ाया सूरज ने, आदमी ने कोट उतार दिया। तो गर्मी लगने की वजह से आदमी ने अपना कोट खुद ही उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। फिर उसने क्या किया, आदमी ने कोट है वो अपने हाथ में लेकर वो चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। सूरज ने हवा से कहा, देखा ना कैसे मैंने उसका कोट उतरवा दिया, देखिए ना मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट, मैंने उसका कोट उतार दिया कि नहीं। हवा ने सूरज को नमस्कार किया। क्या किया, उससे कहा, नमस्कार किया और कहा मान गई और तुम्हारी ताकत को। क्या कहा उसने कि उसको नमस्कार करते हुए कहा कि अब हाँ मैं तुम्हारी ताकत को मान गई कि तुम ही अधिक बलवान हो।
तो सूरज और हवा में, सूरज जीता और वो ही अधिक बलवान है ऐसा हवा ने माना। उसके बाद है हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? हवा आदमी को, तो ये हमें सोचना है कि हवा को ऐसा क्यों लगा। हवा को इसलिए ऐसा लगा कि उसे लगा कि मैं सूरज अपनी हवा की मदद से आदमी कुछ भी है, पेड़ों सबको गिरा सकती हूँ, चट्टानों को भी गिरा सकती हूँ, कुछ भी कोई भी चीज हो उसको मैं नीचे गिरा सकती हूँ। इसीलिए हवा को ऐसा लगा होगा कि वो सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। तो हवा है वो आदमी का कोट उतरवा सकती थी, ये आपको सोचना है। उसके बाद है गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो? ये जो आदमी है उसको, उसने गर्मी लगने से तो कोट उतार दिया, तो आप गर्मी लगने पर क्या क्या करती है? तो मैं तो ठंडे पानी से नहाती हूँ, फिर पंखा चालू करती हूँ, कूलर चालू करती हूँ, एसी के पास बैठ जाती हूँ गर्मी लगने पर। किससे कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो यहाँ पे सूरज या हवा, क्वेश्चन है सूरज या हवा में से कौन अधिक बलवान है? मुझे लगता है कि, मैंने यहाँ पे लिखा है सूरज अधिक बलवान है। क्यों बलवान है सूरज? क्योंकि सूरज की गर्मी को अधिक हम सहन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सूरज है वो हवा से ज्यादा बलवान है। उसके बाद है हाथी या शेर, दोनों से कौन ज्यादा बलवान है? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर में बहुत ताकत होती है, इसीलिए शेर है वो अधिक बलवान है। उसके बाद है गर्मी या सर्दी, दोनों में से कौन अधिक बलवान है? मुझे लगता है कि गर्मी अधिक बलवान है। क्यों? क्योंकि हम सर्दी तो सहन कर सकते हैं, पर गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने अभी देखा ना कि हवा और सूरज में सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसने उस आदमी का कोट है वो उतारवा दिया गर्मी लगने की वजह से, इसलिए गर्मी है वो अधिक बलवान है। नेक्स्ट है ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो हवा ने क्या किया था, बहुत जोर से हवा तेज चलाने लगी, जोर शोर से, और आदमी को नीचे गिरा भी दिया था, अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन फिर भी उसका कोट है वो नहीं उतरा। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो सूरज ने बहुत अधिक गर्मी बरसाई। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले है पानी। पानी अगर उसे अपनी ताकत दिखानी हो तो कैसे दिखाएंगे? तो पानी है वो, पानी में बाढ़ आएगी तो फिर इसमें सब कुछ बह जाता है ना बाढ़ में, तो ये बाढ़ है वो पानी की ताकत होती है। उसके बाद है बादल। तो बादल क्या करेगा अपनी ताकत दिखाने के लिए? जोरों से बारिश लाएगा, बरसेगा जोरों से, तो ये उसकी ताकत है, और जोरों से गरजेगा भी। उसके बाद है पहाड़। तो पहाड़ अपनी ताकत कैसे दिखाएगा? तो पहाड़ है वो टूट कर रास्ते पर गिर जाएगा, चट्टान है गिर जाएगी तो रास्ता बंद हो जाएगा ना, ऐसे वो अपनी ताकत है वो दिखाएगा। उसके बाद है सर्दी। तो सर्दी कैसे अपनी ताकत दिखाएगी? अपने ठंड से जीवन को अस्त व्यस्त कर देगी। बहुत ज्यादा ठंड पड़ने से हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है ना, अस्त व्यस्त हो जाती है हमारी लाइफ, तो सर्दी है वो इससे अपनी ताकत दिखाएगी। बाद है तो क्या होता। मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़े वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बता। क्या कहा था हवा ने कि ये, तो हवा जीत जाती ना, ये उसको तंबू को, तो हवा तंबू को उखाड़ना हवा के लिए बहुत ही आसान है, तो वो तो जल्दी से हवा है वो उखाड़ देती, तो गर्म सूरज की बजाय हवा जीत जाती।
शब्दों का खेल। तो यहाँ पे ता ज म ह ल इसे अलग अलग शब्द यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पर छह शब्द छिपे हैं, इसमें से हमें छह शब्द है ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाया है ताज, फिर महल, जम, हल, ताल, मल, ऐसे इनमें ये शब्दों को मिलाकर छह शब्द बनाए हैं। वैसे ही नीचे लिखे शब्द में तुम भी इस तरह आठ शब्द ढूंढो। तो कौन से शब्द है, क म ल क कड़ी। तो इन शब्दों में से हमें छह शब्द बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाए हैं कमल, मलक, लकड़ी, ककड़ी, कड़ी, कलम, मकड़ी, कम। तो हो गए छह शब्द। तो वैसे ही आपको यहाँ पे मैंने जैसे बनाए वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? तो हम यहाँ पर देखते हैं, बलवान का मीनिंग होता है ताकतवर भी होता है ना, तो अधिक का मीनिंग क्या होगा, तो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखना है ज्यादा। उसके बाद है फायदा। तो फायदा का मीनिंग क्या होगा दूसरा, तो मुनाफा होगा और लाभ होगा। फिर है नमस्कार। नमस्कार का मीनिंग क्या होगा, प्रणाम। उसके बाद है शरीर। तो शरीर को हम क्या के बोलते हैं, तन और देह। उसके बाद है झगड़ा। तो झगड़े को हम लड़ाई ऐसा बोलते हैं। उसके बाद है सर्दी। सर्दी को हम क्या बोलते हैं, ठंड, जाड़ा, ये सब हम इसको बोलते हैं। तो वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। वैसे जैसे मैंने लिखा है वैसा ही वीडियो में से देख के आपको ये चैप्टर है वो कंप्लीट करना है।